न्याय और अन्याय का भेद ही भूल गए हैं। किसी निशस्त्र पर वार करना न्याय है। अब आप ही कुछ कीजिए सूर्यदेव। तुम्हें अपनी अड़िकता पर बहुत घमंड है हनुमान। अब देखो कैसे मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर तुम्हें हमारे मध्य से हटाता हूँ। वार तुम सह नहीं पाओगे हनुमान। वायु की भांति उड़ा ले जाएगा ये तुम्हें। कैसा तीव्र प्रकाश है। हनुमान गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके दिए हुए वचन को पूर्णतः से निभाऊंगा। शनिदेव पर वार नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ हनुमान, किंतु मुझे दिए इस वचन के कारण तुम बहुत अन्याय सह रहे हो। ये पाप है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरुदेव तुम्हें इस अन्याय को और सहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस वचन के बंधन से मुक्त करने के लिए आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अमृत की सुरक्षा के लिए, चंद्रदेव के उदित न होने के कारण संतप्त जगत के कल्याण के लिए, और तुम्हारी माता देवी अंजना के व्रत के पूर्ण करने के लिए, एवं मेरे पुत्र शनि देव के अहंकार का अंत करने के लिए, मैं सूर्यदेव तुम्हें उस वचन से मुक्त करता हूँ। जाओ, जाकर शनि देव से युद्ध करो और जगत का कल्याण करो। ये मेरी अनुमति ही नहीं, आज्ञा भी है। जो आज्ञा गुरुदेव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। करते विनय गुरु से हनुमन, वचन तात के बनते बंधन। सूर्य देव जग अंतर्यामी है, सर्वज्ञ जगत हित कामी। पुत्र शिष्य के मध्य में आए, अपनी महिमा कैसे घटाए। महाशिष्य की चिंता हरते, दिए वचन से मुक्त है करते। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। प्रणाम लंकेश। प्रणाम स्वामी। प्रणाम महाराज। अनुमान लगाइए कि रावण क्या लेकर आया है। लंकेश दशानन रावण ने एक ऐसा कार्य किया है जो युगों तक रक्ष कुल में किसी राजा ने नहीं किया। अमृत प्राप्त किया है हमने। हाँ महारानी, अमृत प्राप्त किया है हमने। ये रावण का ही प्रताप है कि ना एक बूंद रक्त बहा, ना युद्ध हुआ, और अमृत
अमृत प्राप्त हो गया हमें। आपकी सुनी होती तो अमृत क्या कलश तक प्राप्त नहीं होता रावण को। स्वामी, मैंने सदैव आपकी सुरक्षा एवं हित के लिए सोचा है। मैं प्रसन्न हूँ आपकी इतनी बड़ी विजय पर जो आपने बिना किसी युद्ध के प्राप्त की है। लंकेश, अमृत कलश की प्राप्ति का अर्थ है रक्ष कुल का चरमोत्कर्ष। ये देवताओं के विरुद्ध आपकी अपार उपलब्धि है, अपार दशानन। जय लंकेश, जय जय लंकेश, बधाई हो लंकेश, बधाई हो। ये अमृत कलश है। कल महापूर्णिमा के दिन अमृत में उबाल आएगा, तब हरी सभा में परिजनों एवं सभासदों के समक्ष रावण इस अमृत का पान करेगा और सबसे अभद्र हो जाएगा। हाँ स्वामी, आप संपूर्ण भव्यता के साथ इस अमृत का पान करेंगे। मैं अभी जाके सारी व्यवस्था करती हूँ। देवताओं, ये अमृत नहीं तुम्हारी पराजय है, पराजय और असुरों की होगी। तीनों लोगों पर अब विजय ही विजय। रावण है हम। मुझे भ्रमित करने के लिए तुमने ये तीव्र प्रकाश की माया रची। तो हनुमान, तेरे समक्ष तुम्हारी कोई भी माया नहीं टिकेगी। शनिदेव, आपके पिता श्री और मेरे गुरुदेव सूर्यदेव मुझे आशीर्वाद देने आए थे। उन्होंने मुझे वचन के बंधन से मुक्त कर दिया है। कोई बात नहीं, समस्त देवताओं की भांति वो भी मेरे विरुद्ध हो गए हैं। इसमें आश्चर्य ही कैसा, किंतु न्याय के युद्ध में मैं एकाकी ही पर्याप्त हूँ हनुमान। शनिदेव, मैं आपसे करवट विनती करता हूँ। अब सूर्यदेव ने वचन मुक्त कर दिया, फिर किस बात की विनती? मैं यहाँ युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। आप अपना ये क्रोध और अहंकार त्याग दीजिए और चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव को मुझे सौंप दो और चले जाओ यहाँ से। फिर कोई युद्ध नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर विनती की भाषा छोड़ो और युद्ध करो मुझसे। तो संभालो मेरा वार। देव, यदि मात्र यही समस्या का निदान है तो मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ। किंतु मैं चंद्रदेव के साथ आपको बल प्रयास करने नहीं दे सकता। प्रतीत होता है कि तुम्हें पाठ पढ़ाना ही होगा। आज मेरी माँ के व्रत का तृतीय दिवस है। आज पूर्णिमा के दिन मैं अपनी माँ का व्रत पूर्ण करा के ही रहूंगा। चंद्रदेव को आपकी दृष्टि से बचाकर चंद्र उदित करा कर ही रहूंगा। शनिदेव, मैं मेरी माँ की कुशलता के लिए कुछ भी करूंगा। कोई भी बाधा मुझे मेरे निश्चय से दिगा नहीं सकती। हनुमान, तुम्हारे हठ ने मुझे तुम पर दृष्टिपात करने के लिए विवश कर दिया है। हनुमान,
मेरी दृष्टिपात का प्रभाव तभी होगा जब मैं तुमसे मेरी दृष्टिपात से अप्रभावित रहने वाला वरदान वापस ले लूं। शनिदेव, आप देव हैं, मुझसे बड़े हैं। आपने अपनी इच्छा से मुझे वरदान दिया था और अपनी इच्छा से ही ले लीजिए। मेरे लिए तो मात्र मेरी माँ का व्रत पूर्ण कराना है, मेरी माँ की वचन की लाज रखनी है, सारे संसार का संताप मिटाना है। शनिदेव, कदाचित आप भूल रहे हैं, दिए हुए वरदान स्वयं वापस नहीं लिए जा सकते। मैं शनिदेव हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव, आप मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए, मेरी माँ को जीवन दान मिल जाएगा। जो तुम चाहते हो वो कुछ नहीं होगा हनुमान। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसे दंड अवश्य भोगना होगा। वरदान त्यागने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। उपित हो गए शनि भगवान, वापस लेंगे दिए वरदान। हनुमत और सुमेरु का नाश, चंद्र की रक्षा वचन विनाश। कठिन क्रूरता भरा कर्म यह, महाविघाती शनि का निश्चय। चकित देवता चिंतित माता, होनी में क्या लिखा विधाता। गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देवगुरु, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं शनिदेव? अपने ही दिए हुए वरदान को ये वापस कैसे ले सकते हैं? मुझे तो प्रतीत होता है शनिदेव पर उनकी ही दशा का प्रकोप चल रहा है, इसीलिए तो उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। जो न्याय और अन्याय में भेद भूल रहे हैं। तुम्हारा अंत। शनिदेव की दृष्टि, जब निर्दोष हनुमान पर ये अपना क्रोध इस प्रकार निकाल रहे हैं, तब मुझ पर तो इनके प्रकोप का पर्वत ही टूट पड़ेगा। सावधान चंद्रदेव।
शनिदेव ने तो मुझ पर भी आक्रमण कर दिया, अब मैं क्या करूं? हनुमान, मुझे क्यों बचाया? हनुमान, मेरी करनी का दंड मिलने दिया होता मुझे। आप ऐसा मत कहिए चंद्रदेव, आपकी रक्षा करना तो मेरा प्रथम उद्देश्य था, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया। मुझे मेरी माँ के वचन को निभाना है। किंतु जो कुकर्म मैंने किया है उसके लिए तो मुझे कोई भी दंड दिया जाए वो कम ही होगा। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है स्वयं पर। चंद्रदेव, आप इतने दुखी मत होइए। आपने इतना बड़ा कुकर्म नहीं किया है। आपने जो भी किया सब शनिदेव की दशा के प्रभाव में ही किया। प्रभाव किसी का भी हो हनुमान, किंतु कृत्य तो मैंने ही किया है। मुझे अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए था। तुम सब पर भी क्रोधित हुआ मैं, फिर भी तुम मेरी रक्षा कर रहे हो हनुमान। बहुत बहुत आभार हनुमान। आभार तो मुझे आपका करना चाहिए चंद्रदेव। जब आप उदित होकर मेरी माँ का व्रत पूर्ण करेंगे, उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। अवश्य हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मन में भर गया महाविषाद, चंद्रदेव करते पछताप। असफलता से होते विचलित, अत्रि अनुसुईया नंदन चिंतित। चंद्र को मारुति धैर्य दिलाते, पूर्ण उदय का ध्यान कराते। चंद्र पूर्णिमा का दिन आया, मिट पाएगी क्या शनि छाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान! चंद्रदेव उदित नहीं होंगे, अपितु दंडित होंगे, और साथ में दंडित होगे तुम भी। अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। चंद्रदेव, चंद्रदेव आप चिंता मत कीजिए, हनुमान है आपके साथ। अपनी तीव्रता से अधिक समय तक तुम चंद्रदेव को सुरक्षित नहीं कर सकते हनुमान। इनके उदित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि क्योंकि चंद्रदेव के समस्त सहायक चाहे वो तुम हो या इनके उदित होने में सहायक बनने वाले वृत्त एवं वृत्त हो, सभी मेरे कोप का भाजन बनेंगे। मैं व्रत और रित को नष्ट कर दूंगा। नहीं शनिदेव, ऐसा मत कीजिए। रित और व्रत ने आपका क्या अहित किया है?
फिर किस लिए आप उन्हें दंडित करेंगे? चंद्रदेव, आपके सभी सहायक, चाहे वो आपके मित्र हो या वंशज, मैं सबको समाप्त कर दूंगा। आज मैं समस्त चंद्रवंश का नाश कर दूंगा। चंद्रदेव, आपको मैं महादेव के भाल से उतार दूंगा। तुम्हारी तीव्र गति हनुमान, तुम शनिदेव के समक्ष कुछ नहीं कर सकते। अब चंद्रदेव कभी उदित नहीं होंगे। चंद्रदेव, मैं वृद्ध जी को कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, देखता हूं तुम कैसे बचाते हो किसी को। शनिदेव तो क्रोध में अंधे हो चुके हैं, न जाने अब क्या करने वाले। हनुमान, शनिदेव अपनी समस्त शक्तियां एकत्रित कर रहे हैं, उसकी भीषणता बहुत अधिक होगी, उससे बचना असंभव होगा। हनुमान, ये तो रिद्ध पर वार करने को उद्यत दिखाई दे रहे हैं। नहीं हनुमान, बहुत घातक शक्ति है ये। कहीं हनुमान के साथ कोई अनर्थ ना घट जाए। शनि हनुमंता घोर युद्ध यह हुए प्रभावित काल भयावह।
खुलते जाते काल चक्र अब काल नियंत्रित होंगे क्या अब सृष्टि सकल संचालित करते जीवन मरण नियंत्रित करते शनि हनुमत भीषण संग्राम क्या होगा इसका परिणाम। शनि देव की दृष्टि के वार से विनाश होता ही है। फूल का पिंड और छोटे ग्रह काल देव के इच्छा के बिना ही काल रूप बन गए हैं। कहीं काल देव के कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो जाए। प्रणाम महाराज कालदेव। प्रणाम चित्रगुप्त जी। क्या बात है चित्रगुप्त जी, आप विचलित से दिखाई दे रहे हैं। विपदाएं ही विचलन को जन्म देती हैं महाराज। विपदाएं? ये क्या कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी, किस पर विपदाएं आ रही हैं? सृष्टि पर संकट की आशंका है महाराज कालदेव। सूर्यदेव के पुत्र आपके भ्राता शनिदेव एवं हनुमान के मध्य युद्ध की स्थिति बन गई है और शनिदेव के दृष्टि प्रहारों से उल्का पिंडों में घूर्णन उत्पन्न हो रहे हैं जो कालकूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। कालकूप? मेरी इच्छा के विपरीत कैसे निर्मित हो सकता है कालकूप? आप ही के तो भ्राता हैं शनिदेव, अगर आप कर सकते हैं तो शनिदेव भी कर सकते हैं। आप अंतरिक्ष से नकारात्मक ऊर्जाओं और अशुद्धताओं को निगल कर समाप्त करने के लिए काल चक्र का निर्माण करते हैं। हाँ, अनेक कालकूपों के सम्मिलन से बनता है काल चक्र। यही तो भय है महाराज कि यदि शनिदेव की दृष्टि से निर्मित हुए कालकूप अगर मिलकर असमय ही उस विराट काल चक्र का रूप ना धारण कर ले जो समस्त सृष्टि को ही निगल जाता है। हनुमान, बहुत उछल कूद कर रहे हो तुम, बहुत ही त्वरित गति से बचा रहे हो ना तुम इन्हें। अब देखता हूं मैं तुम्हारी तीव्रता को। कल की रात्रि भी बिना चंद्र दर्शन के ही निकल गई। यदि केसरी जी शीघ्र ना लौट पाए तो न जाने क्या अनर्थ हो जाए। कुछ अनर्थ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी अंजना को। मैं ले आया हूं चंद्रजल, ये लीजिए ऋषिवर। ये तो बहुत अच्छा किया आपने महाराज, किंतु ये जल महारानी को आज रात तक ही शक्ति प्रदान कर पाएगा। यदि आज पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रोदय नहीं हुआ तो महारानी का बच पाना असंभव है। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ महाराज, चंद्रदेव की शक्ति महारानी अंजना के लिए अनिवार्य है। व्रत की पूर्णता ही इन्हें स्वस्थ कर सकती है। आप चिंता ना करें ऋषिवर, हनुमान पूर्णता प्रयास कर ही रहा होगा।
हनुमान सर। ये काक सेना तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। कुछ युक्ति लगानी होगी। नारायण नारायण, शनिदेव को अपने अहंकार के समक्ष ये भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी दृष्टि से असमय ही कालकूप निर्मित हो गए हैं। शनि की सेना काक प्रधान, महायुद्ध करते हनुमान। काक क्रूरता की पहचान, भरे पंख में शक्ति महान। धारण रखते पूरी गरिमा, यही बाल मारुति की महिमा। माँ के वचन चंद्र की रक्षा, पुत्र धर्म की कठिन परीक्षा। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चित्रगुप्त जी की आशंका निराधार नहीं थी, जिनका उन्हें भय था वही हो रहा है। अब यह खुला हुआ प्रचंड कालचक्र पूरी सृष्टि को निगलना आरंभ कर देगा। कहीं असमय सृष्टि का अंत तो नहीं कर देगा यह कालचक्र। ये कालकूप, हनुमान ये देखो, शनिदेव की दृष्टि से घर्षण होकर ये उल्का पिंड कालकूप में परिवर्तित हो रहे हैं। सृष्टि के लिए संकट है ये। इन कालकूपों के एकत्रित हो जाने से कालचक्र निर्मित हो गया है। आसपास के समस्त उल्का पिंड इसकी असीम आकर्षण शक्ति से इसमें समाते जा रहे हैं। शने शने संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अंदर समा जाएगा। ऐसे ही भीषण संकट उत्पन्न होते हैं जब सृष्टि में अपराधी का साथ दिया जाता है। यही है पापाचार और अनाचार का परिणाम। अब तब जान जाएंगे क्या है शनिदेव का न्याय। हनुमान उस कालचक्र की ओर मत जाओ, संकट में पड़ जाओगे तुम। काले विपरीत बुद्धि, वो भी बालक की,
और वो भी वानर। क्या थी नहीं कि वो अपने विनाश की ओर अग्रसित है। तुम्हारी तुष्टता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये तो अच्छा हुआ, ये सारे राक्षस इस काल चक्र में समा गए। ये क्या, ये काल चक्र तो ग्रहों को भी खींच रहा है। इस प्रकार एक समय में ये संपूर्ण सृष्टि को निगल लेगा। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं? इस स्थिति को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी मात्र मेरी माँ के व्रत एवं वचन की रक्षा करने का प्रश्न नहीं है, सारी सृष्टि की रक्षा करने का प्रश्न है। ओम चंग चंद्रा नमः, ओम चंग चंद्रा नमः, ओम चंग चंद्रा नमः, ओम चंग चंद्रा नमः, ओम चंग चंद्रा नमः। अंजना की देह तो निश्चित हो गई है, कहीं कुछ हो ना जाए अंजना को। धैर्य रखिए केसरी जी, यह चंद्रजल औषधि गुणों से युक्त होता है, इससे देवी अंजना को जीवनदायी ऊर्जा अवश्य प्राप्त होगी। ये क्या, काल चक्र तो नवग्रह मंडल के ग्रहों को भी खींच रहा है। मंगल ग्रह तो कालचक्र की ओर खिंचा चला जा रहा है। हनुमान वो देखो, मंगल ग्रह। हाँ? ये क्या अनर्थ हो गया, कालचक्र ने तो मंगल ग्रह को भी निकल लिया है और मैं कुछ ना कर सका। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं मैं सबको। अनायास क्या हो गया, वायु विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हुई प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई सब कुछ खींच रहा है।
शक्ति से ये काल चक्र पृथ्वी को खींच रहा है। मंगल ग्रह की ही भांति ये समस्त पृथ्वी को अपने अंदर निगल लेगा। ये तो बड़ी ही भयावह स्थिति होती जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। न जाने क्या होने वाला। अशुभ संकेत है ये, अवश्य ही कोई अघटित घटने वाला है। हे महादेव, हनुमान की रक्षा करना, मेरा पुत्र हनुमान सकुशल हो। कैसे बचाऊं सबको, कहीं मेरी माँ भी। ठीक तो हो ना अंजना? माँ, माँ मुझे पुकार रही है। समाज से पहले होता है नगर और नगर से पहले होता है राज्य, किंतु राज्य से भी प्रथम होता है संसार। इसीलिए ध्यान रखना मेरे लाल, यदि कभी भी एक ओर माता पिता और दूसरी ओर संसार संकट में हो, तो तुम्हें संसार के संकट का निवारण करना होगा। पृथ्वी संसार की माँ होती है और तुम्हें उस माँ को पहले बचाना होगा। माँ, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपने ही मुझे सीख दी थी कि परिवार से बड़ा समाज होता है और समाज से बड़ा देश और देश से बड़ा संसार होता है। मैं पूरे संसार की रक्षा करूंगा माँ। हनुमान, हनुमान! ये क्या किया तुमने? काल चक्र तो काल का ग्रास है, उसमें क्यों प्रवेश हो गए तुम? मुझे दुख है तुम्हारे लिए। न्याय के स्थान पर अन्याय का साथ देने वाला विरोधी है मेरा, उसे मेरे कोप का भाजन बनना ही होता है। जो भी अन्याय का साथ देगा वो इस काल चक्र का सामना करेगा। अन्याय का साथ देने वालों को समाना पड़ेगा इस काल चक्र में हनुमान की भांति ही। सर्वदा के लिए माँ,
आकर्षण शक्ति का विरोध मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से करूंगा। नहीं खींच सकेगा ये काल चक्र मुझे। इस ओर आ रही है। मुझे इस काल चक्र को अपनी देह का आकार बढ़ा के इस काल चक्र का मुंह बंद करना होगा, तभी सृष्टि की रक्षा हो सकेगी। हनुमान कैसे इस खुले हुए काल चक्र के मुक्त द्वार को बंद कर पाएगा? हनुमान, पुत्र, मैं दुखी हूं तुम्हारी स्थिति, किंतु स्मरण रहे पुत्र, निरंतर प्रयास करने वालों की कभी पराजय नहीं होती। वरदानी शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर रहे हो। तुमने इस पृथ्वीलोक को बचा ही लिया। प्रतीत होता है भयावह स्थिति सामान्य हो रही है। देखना हनुमान भी शीघ्र ही सब कुछ ठीक करके वापस लौट आएगा। हनुमान। प्रणाम कालदेव। हनुमान अब उठ जाओ कालचक्र के मुख द्वार से। कालदेव, यदि मैं यहाँ से हट गया तो ये कालचक्र संपूर्ण सृष्टि को निगल लेगा। यही प्रवृत्ति है कालचक्र की हनुमान, इसे तुम नहीं रोक पाओगे। क्षमा करें कालदेव, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। मैं अपने प्रयास से पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान, काल चक्र के मुख द्वार को बंद करना किसी के भी वश का कार्य नहीं है। ये स्वतः बढ़ता है, इसे बंद करने में मैं भी असमर्थ हूँ। मुझे क्षमा करना पुत्र।
जल चक्र तो मेरे ही शनि लोक को खींचने लगा है। ये क्या, ये काल चक्र तो शनि लोक को भी खींच रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी देह का आकार कितना भी बढ़ाना पड़े। मुझे मेरे ग्रह की रक्षा करनी होगी। रुक जाइए भ्राता शनि। शनि लोक के सामने मत जाइएगा भ्राता शनि। आपका शनि लोक काल चक्र के आकर्षण परिधि में आ गया है। ये काल चक्र की तीव्र आकर्षण शक्ति कभी भी हनुमान को भीतर खींच सकती है और स्वयं आपको भी। भ्राता काल देव, शनि हूं मैं। सक्षम हूँ स्वयं अपने ग्रह की रक्षा करने में। आप चिंतित ना हो, उसके लिए मुझे किसी हनुमान की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अपने ग्रह को आपकी आकर्षण परिधि से अभी बाहर करता हूँ। हनुमान, अभी भी समय है, हट जाओ वहां से, बचा लो स्वयं को, अन्यथा ये काल चक्र तुम्हें भी लील लेगा। भ्राता शनि आप भी हट जाइए। भ्राता शनिदेव ने, अब भुगतना होगा इन दोनों को इसका दुष्परिणाम। क्या हो रहा है? मेरी दृष्टि से बने ये काल कूप मुझे ही निकल रहे हैं। मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये काल चक्र तो बहुत ही शक्तिशाली है, सबको अपने अंदर समाता ही जा रहा है। Thank you.
ना जाने क्या होने वाला है। ये कालचक्र तो असमय ही प्रलय जैसी स्थिति बना रहा है। ये क्या, इसकी आकर्षण शक्ति तो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। नारायण नारायण, शनिदेव देख लिया, अपने अहंकार और क्रोध का परिणाम आप अपनी ही दृष्टि से निर्मित हुए। जिस काल चक्र को देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि वो सारे संसार को लीन लेगा, उसने आपको भी लीन लिया है। दूसरों का बुरा चाहने वालों का बुरा ही होता है। जो औरों के लिए खड्डा खोदते हैं उस स्वयं ही खड्डे में गिरते हैं। काल चक्र की इस बढ़ती हुई भयवता को तो अब मात्र काल देव ही रोक सकते हैं। हमें सृष्टि को असमय ही इस प्रकार नष्ट होने से बचाना चाहिए। हनुमान और शनिदेव दोनों ही काल चक्र में समा गए हैं। हमें शीघ्र ही काल देव के पास जाकर विनती करनी होगी। हनुमान, अब इस पूरी सृष्टि को काल चक्र में समाने से ना तो तुम रोक सकते हो और ना ही मैं। किंतु ऐसे नियम पालन का भी क्या लाभ जो सृष्टि को ही विनाश से ना बचा सके। जब दो महाशक्तियां आपस में टकराती हैं तो सदैव संसार का ही अहित होता है। यदि हनुमान और शनिदेव आपस में युद्ध नहीं करते कुछ नहीं होता। इनके युद्ध के कारण ही ये विनाश आरंभ हुआ है। नारायण नारायण। कालदेव, कदाचित ही आप ये नहीं देख पाए कि हनुमान ने अंतिम समय तक युद्ध को टालने का प्रयास किया था। सूर्यदेव की अनुमति मिलने के पश्चात भी हनुमान ने शनिदेव के विरुद्ध कुछ नहीं किया। तो उसे हट जाना चाहिए था शनिदेव के सामने से, तो ऐसी स्थिति ही नहीं बनती। हनुमान के हट के कारण ही अनहोनी घटित होने जा रही है, जिसको टालना असंभव है। कालदेव का यह व्यवहार तो अनुचित है द्वारकाधीश। उचित और अनुचित का दृष्टिकोण सबका अपना अपना होता है। जो कार्य किसी के लिए उचित है वो दूसरे के लिए अनुचित भी हो सकता है, किंतु हनुमान का कार्य सर्वथा उचित ही है। कालदेव भी नियमों की सीमा में बंधे हुए अपना उत्तरदायित्व निभा रहे थे, किंतु जो विनम्रता और निस्वार्थ भाव से परहित के कार्य में लगा रहता है, विजय उसी की होती है। संकट को टालने के लिए मुझे कुछ करना होगा, अन्यथा ये पूरे ब्रह्मांड को ही अपने अंदर समा लेगा। किंतु मैं क्या करूं? ये क्या? ये काल चक्र तो अपने अंदर सब कुछ समाता ही जा रहा है। पृथ्वी तो पुनः इस ओर आती हुई दिखाई दे रही है। कालदेव, पृथ्वी लोक को भी पुनः खींच रहा है ये काल चक्र। स्थिति तो अनियंत्रित हो रही है देवर्षि। ये असमय खुला कालचक्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये जितना सबको निगलता है उतनी अधिक उसकी शक्ति बढ़ती है। इसे रोकना मेरे लिए भी कठिन होगा। किंतु कालदेव, उसे रोकना तो होगा ही। यदि मैंने इसे रोकने का प्रयास किया तो बहुत ही विनाशकारक प्रतिक्रिया होती है कालचक्र की। ऐसे स्थिति के निदान का कोई तो उपाय होगा। उपाय है, जब इसका बनना आरंभ हुआ था तभी इसे रोका जा सकता था, किंतु अब ये अनियंत्रित हो चुका है। आप सभी को हनुमान की शक्ति पर बहुत विश्वास है ना? देखते हैं अब वो क्या करता है। ओ
आज्ञा दे। हनुमान, अब तो ये भूकंप भी आने लगा। अंजना की दशा फिर से बिगड़ने लगी है, न जाने क्या होने जा रहा है। ये कोई साधारण भूकंप नहीं है, ये अवश्य ही प्रकृति में कोई अघटित घटना घट रही है जो बहुत बड़े विनाश का संकेत दे रही है। स्थिति तो बहुत ही भयावह बनी हुई है। हनुमान, हनुमान, ये आंधियां, ये विपरीत वायु प्रभा देवताओं के आपसी युद्ध से ही सृष्टि संतप्त होती है। लंगेश, अमृत के कारण तो ये सब नहीं हो रहा। इन देवताओं ने मुझे भी अमृत पीने से रोका था। हो सकता है कि आपको भी अमृत पान से रोकने के उद्देश्य से इन देवताओं ने ये षड्यंत्र रचा हो। देवताओं का ये आपसी युद्ध मात्र एक ठोंग हो। ठोंग हो या सत्य हो, जो भी हो, अब रावण को अमृत पान करने से नहीं रोक सकता। पूर्णिमा का चंद्रमा उगते ही रावण करेगा अमृत पान। हाँ लंकेश, आपके निर्देशानुसार मैंने तीनों लोगों के असुरों, दैत्यों और राक्षसों को निमंत्रण पहुंचा दिए हैं। पूर्णिमा की संध्या ढलते ढलते वो लोग सभी लंका में एकत्रित हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। ये महापूर्णिमा की रात्रि होगी असुरों के चरमोत्कर्ष की रात्रि। इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे सदियों से असुर। मुझे इसे रोक नहीं होगा। मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो करना होगा, वरना माँ के व्रत का क्या होगा? हनुमान, इस काल चक्र को रोकने की सोच रहे हो ना तुम? नहीं रोक पाओगे तुम इसे। अब न पूर्ण होगा तुम्हारी माँ का व्रत और ना ही उनका वचन। ये काल चक्र इस पूरी सृष्टि को निगल लेगा, इस पूरी पृथ्वी को भी और साथ में तुम्हारी माँ को भी। किसी को तुम नहीं बचा पाओगे हनुमान। ये काल चक्र वो अंधकूप है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सका। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। काल अधीन सृष्टि यह सारी, काल चक्र रोधन अति भारी। बाल कपीश्वर अति बलशाली, काल कराल गति भी निराली। काल रुके तो महाप्रलय है, काल कूप में सृष्टि विलय है। सृष्टि की रक्षा हनुमत धर्मा, मातु वचन करते सब कर्मा। मैं रोकूंगा इसे, पृथ्वी को असमय समाप्त होने नहीं दूंगा मैं। किंतु इसे रोकूं कैसे, क्या करूं मैं? Yeah.
मुझे इस काल चक्र से बाहर निकलने में विपरीत दिशा में घूमना होगा। हनुमान क्या कर रहा है अब? चेष्टा, परिस्थिति से लड़ने की चेष्टा। परिस्थिति पर विजय केवल वही पाता है जो चेष्टा करता है। कठिन परिस्थिति में शांत बैठे रहने वाले की केवल पराजय ही होती है। किंतु होगा क्या इस चेष्टा से? जब स्वयं काल देवी कुछ नहीं कर पाए तो अब ये हनुमान क्या कर पाएगा? हो सकता है हनुमान के विपरीत दिशा में घूमने से सब कुछ विपरीत होने लगे, काल चक्र में जो कुछ समा रहा था वापस आने लगे, काल चक्र की शक्ति ही क्षीण होने लगे। नारायण नारायण, शनि देव ने तो अपनी अहम की तुष्टि के लिए सारे संसार को ही संकट में डाल दिया है, जबकि हनुमान अपनी माँ एवं संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहा है। ये क्या? जिस प्रकार सृष्टि को बचाने के लिए हनुमान प्रयास कर रहे हैं वो अनुचित है। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। महाराज, सृष्टि को संकट से बचाने के लिए हनुमान ऐसा कर रहा है। सृष्टि को संकट से बचाने के लिए हनुमान ने जिस युक्ति का प्रयोग किया है वो काल चक्र के मर्यादा के विरुद्ध है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे पूर्ण शक्ति से अब विपरीत दिशा में घूमना होगा। नारायण नारायण, हनुमान ने तो निराशा के अंधकार में आशा की एक ज्योति आलोकित कर दी है। प्रतीत होता है कि भीतर फंसे हुए ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। मुझे भी यही प्रतीत हो रहा है, किंतु कहीं ये कालदेव के कार्यों में हस्तक्षेप तो नहीं है? हनुमान का काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाना अनुचित है। ये तो समय को ही परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सृष्टि असंतुलित हो उठेगी, हाहाकार मच जाएगा, जिसका दुष्परिणाम वर्षों तक जगत को भोगना होगा। प्रतीत होता है इस काल चक्र की शक्ति क्षीण हो रही है। मुझे अपना वेग और बढ़ाना होगा। जो भी इस काल चक्र के भीतर है मुझे सब बाहर निकालना होगा। हनुमान ने तो असंभव को भी संभव कर दिया, समय को ही परिवर्तित कर दिया है। हनुमान, तुम अद्वितीय हो पुत्र। काल चक्र विपरीत दिशा में घूम हनुमत की महिमा से सुफल रहा मारुति का प्रयास। आंजनेय है जग की आस। काल कूप से
बाहर आकर शनि में समाते काग भयंकर देव सकल गाते हनुमत गुण चंद्र देव का भर आया मन ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 बहुत बड़ी भूल की है हनुमान ने काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाने का अर्थ है समय गति को ही विपरीत कर देना यही नहीं जिस प्रकार खुला हुआ काल चक्र विनाशकारी हो सकता है उसी प्रकार बलपूर्वक बंद किया हुआ काल चक्र भी विनाशकारी हो सकता है प्रतीत होता है कि हनुमान ने काल चक्रों को विपरीत दिशा में घुमाकर समय गति को भी विपरीत कर दिया है अब सृष्टि असंतुलित हो उठेगी अब इस सृष्टि को संतुलन में लाने का प्रयास मुझे ही करना होगा चित्रगुप्त जी जी महाराज मैं ध्यान लगाकर सृष्टि को असमय होने वाली कठिनाइयों से बचाने का प्रयास करता हूँ आप बस इतना कीजिए कि मेरे ध्यान में कोई बाधा ना आ पाए जी नारायण नारायण प्रणाम देवगणों हनुमान तुमने इस सृष्टि को विनाश से बचाया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हम सब भी तुम्हें धन्यवाद देते हैं देवगणों मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि संसार की रक्षा सर्वोपरि है मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है तुमने जो किया है वो अन्य के लिए संभव नहीं है संपूर्ण सृष्टि पर आभार है तुम्हारा हनुमान अब सारे वाद विवाद दूर हो जाएंगे तुमने स्वयं के साथ साथ शनि देव को भी मुक्त कराया है अब वो तुम्हारी बात मानकर चंद्रदेव को कुताड़ित नहीं करेंगे कदापि नहीं हनुमान ने जो किया है अपनी माँ के लिए किया है मुझे जो करना है मैं भी वो अवश्य करूंगा मैं चंद्रदेव को यूं ही नहीं छोड़ूंगा ऐसा मत कहिए शनिदेव अब तो मान जाइए हनुमान अपने एक प्रयास का दुष्परिणाम तुमने देख लिया अब और कुछ अनिष्ट घटे इससे पूर्व मेरे मार्ग से हट जाओ चंद्रदेव को मुझे सौंप दो शनिदेव मुझे मेरी माँ का वचन निभाना है उसके लिए मैं चंद्रदेव की रक्षा करूंगा शनिदेव मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए और इन्हें अपनी दृष्टि का कोपाजन ना बनाए ये विनम्र निवेदन दुर्बलों का कार्य है हनुमान शूर वीरों की भांति युद्ध करो अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है हनुमान शनिदेव तो अभी भी अपने हट पर है
कीजिए शनिदेव, अब मुझे आपसे युद्ध आरंभ करना ही होगा।